आज भी आत्माओं का वास है। जो उनकी रानी है उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर दी, ये देख रहे हो सब गीला गीला है। अब इसके अंदर एक रूम आ गया, गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज संडे है 21 जनवरी, तो आज मैं आप लोगों को एक दिल्ली की ऐसी हिडन मॉन्यूमेंट कह लो या महल कह लो, वहाँ लेकर जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है। अब उसके बारे में क्या बोला जाता है वो मैं आपको आराम से बताऊँगा, मगर कहा जाता है कि यहाँ पर इस महल के अंदर आज भी आत्माओं का वास है। ज़्यादा लोगों को ये पता नहीं है ये कौन सा महल है, बट ये दिल्ली के एकदम सेंट्रल प्लेस में है। महल का नाम है भूली भटियारी का महल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। ऐसे लगता है यहाँ से 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे है जितना मैंने पढ़ा था। इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डेस्टिनेशन में पहुँच जाए फिर दिखाऊंगा। एक्चुअली में अगर आप ये रोड देखो तो क्या आप ये बता सकते हो कि ये दिल्ली है, दिल्ली के बाहर है, मतलब पूरा जंगल है, एकदम ग्रीनरी, एक्चुअली में हिडन। मुझे दिल्ली में रहते हुए बहुत साल हो गए हैं बट मैं आज तक इस रोड पर कभी नहीं आया। तो अगर मैं नहीं आया तो इसका ये मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर नहीं आए होंगे। वहाँ जाके महल में जाकर देखते हैं कि महल के अंदर कैसा लग रहा है, और जो इस महल के बारे में बोला जाता है या जो लिखा जाता है गूगल पे या कहीं पे भी ऑनलाइन मीडिया में या बोला जाता है वो कितना सच है फील, वहीं जाके मैं आपको बताता हूँ। अभी आई थिंक यही है भूली भटियारी का महल। अब यहीं पे कहीं पे गाड़ी को करते हैं पार्क और फिर उसके आगे वीडियो बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसी वाइब्स है और क्या सीन है यहाँ का। यहीं कहीं लगाता हूँ, साइड में जगह तो मिल नहीं रही बट आई थिंक वो सामने पार्किंग है, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। गाड़ी मैंने पार्क कर दी है अब, बट आगे यहाँ से रास्ता है, कहाँ जा रहा है ये भी नहीं पता, बट आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो आगे की तरफ भी जंगल के अंदर रास्ता जा रहा है। एक वीडियो में मैं देख रहा था कि बेसिकली ये जो रास्ता आगे जा रहा है ना, ये शायद जा रहा है आगे धौला कुआं तक। अब धौला कुआं यहाँ से 10-15 किलोमीटर तो होगा, अगर इतनी दूर रास्ता जा रहा है और इतना ग्रीन है उसके बावजूद भी लोगों को नहीं पता। ये मैं आपको महल का बाहर से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, एक सेकेंड आप लोग वेट करो, ये बाहर से दिखाता हूँ फिर हम अंदर भी चलेंगे इसके। अभी कुछ लोग आए हुए हैं इस महल को देखने के लिए। इसके यहाँ पे गवर्नमेंट की एक वार्निंग भी है कि शाम को 5 बजे के बाद इस महल के अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब उसकी रीज़न यही कहते हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत हैं। अब वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं नहीं हैं पता नहीं, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है पता नहीं, क्योंकि हम तो दोपहर में आए हैं तो इसलिए आई एम नॉट श्योर कि हमें भी कुछ पता चलेगा नहीं चलेगा। शाम को अलाउड नहीं है, अदरवाइज़ मैं शाम को आ जाता किसी दिन आपको दिखाने के लिए। अभी फ़िलहाल एंटर करते हैं यहाँ से, है एंट्री यहाँ से, बट आई थिंक एंट्री अलाउड नहीं है, बंद कर रखा है यहाँ पे इन्होंने सब कुछ। मैं तो ये सोच रहा था कि इसके अंदर जाएंगे बट इसके अंदर तो जा नहीं सकते क्योंकि सब कुछ बंद कर रखा है, लॉक्ड है लॉक। अब यहाँ पे क्या भूत है क्या भूत नहीं है कुछ नहीं पता, लेकिन आपको मैं कम से कम जितना दिख सकता है वो दिखा देता हूँ। आपको मैं इसकी साइड से दिखा रहा हूँ, अब अंदर जाना तो अलाउड है नहीं, लॉक लगाया है जैसे मैंने आपको दिखाया है।
तो अंदर जाना अलाउड ही नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे अंदर की वाइब्स एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि कैसे अंदर लगता है जाके। मगर इसका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है ना वो तो यही है कि इट इज़ एक्चुअली अ प्लेस विच पीपल हैव मिस्ड वॉचिंग। दिल्ली के मेन है जगह में एकदम करोल बाग के साथ में है, जो करोल बाग का हनुमान मंदिर है ना, जो 108 फीट ऊंची मूर्ति है, उससे जैसे ही आप अछुआ रोड से आते हो और लेफ्ट लेते हो, तो वहाँ से लेफ्ट लेते ही एकदम एक रोड ऊपर चढ़ती है बग्गा लिंक ऑटो के नाम से एक शोरूम है, बस आपने उसी रोड पर चढ़ना है। उस रोड पर चढ़ते ही आप ऐसे हो जाते हो जैसे आप दिल्ली नहीं किसी जंगल में आ गए हो। देखो एक्चुअली में ही ये जंगल लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है। जो दो चार लोग आए हुए हैं आई थिंक वो वीडियो बनाए रहे हुए हैं या वो इसका एक्सपीरियंस करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी स्टोरी ये है कि फिरोज़ शाह तुगलक जो है ना, उसने ये बनवाया था, और ये बेसिकली बनवाया था एज अ हंटिंग लॉज। अभी भी ये जंगल है तो उस समय आने में तो ये बिल्कुल ही जंगल होगा, तो एज अ हंटिंग लॉज बनवाया था ये। बट समहाउ जो उनकी रानी थी उसको ये जगह इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने ये अपना रहने का ही जगह बना लिया। अब ये जगह बना ली उन्होंने अपने रहने की, तो बाद में क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई जिस कारण से जो उनकी रानी है उन्होंने यहाँ पे आत्महत्या कर ली। अब कहते हैं कि रात को उसकी जो रानी थी फिरोज शाह की, वो यहाँ पे बहुत लोगों को दिखाई दी गई है। साथ में ये भी कहा गया कि इस महल की गार्ड करने के लिए ना बहुत गार्ड्स रखे गए हैं, बट कोई भी गार्ड जो है एक दिन से ज़्यादा टिका नहीं इस महल में। अपनी अपनी कहानियाँ, अपनी अपनी स्टोरीज है, बट क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो एक स्टोरी और ये भी है कि राजस्थान के कुछ कबीले वाले इधर आए थे, जिनमें से एक लेडी जो थी उसको ये थी जगह पसंद आई कि वो यहीं बस गई, और उसको यहाँ से रास्ता भी भूल गया। अब उसको भी रास्ता भूल गया तो इसलिए भी कहते हैं इसका नाम भूली भटियारी का महल कहा गया है। अब अंदर जा सकते होते तो मज़ा आ जाता, लेकिन अंदर जा नहीं सकते, तो ये एक जगह आ गई। यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं अंदर आपको जाकर दिखा पाऊँ। अगर अंदर जा सकता, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि आई एम एक्चुअली मिसिंग इट। यह पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता हूँ अगर कहीं से कुछ दिख जाए। अगर दिख जाता है क्या पता हमारे को भी कोई चुड़ैल पिशाचनी आत्मा दिख जाए। बट लगता है इस महल के अंदर को कैप्चर कर रख दिया है, बाकी कुछ जाने नहीं दे रहे। ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा भाई पेड़ों के अलावा, और एक हाथ चुड़ैल लटकी हुई दिख रही है। मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है, रात में अलाउड नहीं है। अलाउड होता भी तो आप अंदर तो जा नहीं सकते थे, और अगर आप अंदर जा नहीं सकते यहाँ की ऐसी क्या आपको पता चल नहीं सकती। बहरहाल अब क्या करते हैं, अब आगे जो ये जंगल दिख रहा है ना आपको, आगे की तरफ जो ये जंगल दिख रहा है, कोशिश करते हैं उसमें थोड़ी देर आगे गाड़ी लेकर जाएं। बट एक दो लोगों का मैंने और भी इंटरव्यू देखा था, वो कहते हैं ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, वो क्योंकि ये जंगल पड़ता है तो बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए भी मना करती है कि रात को यहाँ पे लूटपाट हो सकती है, इस चक्कर में वो मना करते हैं। अदरवाइज़ जितना मैंने पढ़ा है आप भी वो पढ़ लेना, विश्वास हो तो ठीक है, बट आकर देखने लायक जगह है। 15-20 मिनट्स आपके अच्छे बीत जाएंगे। ये जो रोड दिखाई थी आपको अंदर, थोड़ा सा मैंने कहा अंदर पैदल चल के भी देख लेते हैं कहीं कुछ है आगे या नहीं है। वैसे तो कुछ लग नहीं रहा कि आगे कुछ होगा, बट जस्ट नेचर वॉक के लिए आया हूँ मैं, थोड़ी सी नेचर वॉक ही कर ली जाए। दिल्ली NCR में और तो कुछ है नहीं नेचर के नाम पे। तो लेकिन जैसे मैंने आपको बोला था, मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ जस्ट इन केस आपको कभी आना हो। फिर से थोड़ा क्लैरिटी से, पचकुया रोड से जब आप आते हैं ना क्लॉट प्लेस से, हनुमान मूर्ति जो आती है
बड़ी वाली 108 फीट ऊंची, बस उस हनुमान मूर्ति से लेफ्ट लेते ही एग्जैक्टली एकदम साथ से लेफ्ट एक रोड ऊपर चढ़ रही है। उस रोड पे ऊपर चढ़ जाना, 200-250 मीटर आप आगे जाओगे तो राइट साइड पे आपको भूली भटियारी का महल मिल जाएगा। कहीं पे भी गाड़ी पार्क करो और इंजॉय करो। ये जी अंदर एंट्री तो कर ली है, गार्ड साहब से हेल्प मांगी, उन्होंने सपोर्ट किया। ये अब आ गया हूँ मैं अंदर भूलिया भटियारी महल के अंदर। अगर आप महल के अंदर आकर देखोगे तो एक्चुअली में कुछ है नहीं, बस चार दीवारी ही है। इस चार दीवारी के अंदर की ही सारी कहानी है। अब इस चार दीवारी के अंदर की कहानी जो मैंने आपको सारी बताई दी है, बार बार क्या ही बोलूँ, बट आपको मैं इसका एक बार व्यू दे देता हूँ। ये सामने जो छोटी छोटी सी कोठरी है ना, इन कोठरियों में भी चलकर एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन है। बाकी इन गार्ड साहब से भी बात करेंगे कि इन्होंने यहाँ पे कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, क्योंकि जितना पड़ा है उसके हिसाब से तो कोई गार्ड रुकता नहीं, बट यहाँ तो गार्ड भाई साहब ने हमारी अंगीठी लगा रखी है। चूल्हा वूल्हा सब है, ये देख रहे हो सब चूल्हा वूल्हा है। अब इसके अंदर एक रूम आ गया, रूम क्या है, रूम आते ही ख़त्म हो गया, बेसिकली कुछ भी नहीं है। आगे भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, अगर यहाँ पे कुछ है नहीं है। देखो यहाँ पे भी एक दीवारी सी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जो रानी थी वो कहाँ रहती थी, कमरे तो है नहीं। ये तो ऐसा है कि चलता बाद खुलता बाद में, ख़त्म पहले हो जा रहा है। ये है भूली भटियारी का महल का इनसाइड अंदर से। और थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं वहाँ क्या चीज़ है, जो ऊपर आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं एक बार वहाँ पे भी देख लेते हैं कि वहाँ क्या है। मैं तो जा ही रहा था बट अचानक से गार्ड साहब दिखे, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और काफ़ी मिन्नतें करने के बाद उन्होंने अंदर आना अलाउ कर दिया मुझे। एक ऊपर ये है, देख रहे हो, तो कहने का मतलब है कहीं पे कुछ नहीं है, देर इज नथिंग एक्सेप्ट फॉर चार दीवारियाँ, और इन चार दीवारियों के अंदर हम हैं। अच्छा, तो ये गार्ड साहब ने तो मना कर दिया बनाने के लिए वीडियो, लेकिन एक गार्ड साहब एक बात बताएं, ये जो सुनने में आया यहाँ पे भूत भूत है, आत्मा है, कुछ है ऐसा, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब जंगल है, तो ये गार्ड साहब ने मना कर दिया। यहाँ तो ये बहुत बहादुर है, या इन्होंने आज तक कभी कुछ देखा नहीं। तो चलो जी, अंदर से भी आपको दिखा दिया, लोकेशन आपको समझा दी, आ सकते हो आप लोग 10-15 मिनट के लिए, अपना टाइम बिता सकते हो, बट एक अच्छी जगह है, वन टाइम विजिट फॉर फ्यू मिनट्स।